हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, ये एक BS6 गाड़ी है, बस है, ठीक है, बस BS6 है 16-18। और इसका हम अभी EGP बॉक्स देखेंगे कि EGP बॉक्स पे कौन कौन सा सेंसर दिया है, उसका कनेक्शन कहाँ से हुआ है, कौन सेंसर का नाम क्या है, और ये जो एक एक पार्ट आप देख रहे हैं ना, इसका नाम क्या है, ये मतलब क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए ये जो है, ये है DOC, डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, ये है DPF, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, और ये है SCR, सिलेक्टिव कैटलेटिक रिडक्शन, जो BS4 गाड़ी में भी था, और ये है ASC यानी एमोनिया स्लिप कैटलिस्ट। और उसके बाद देखिए इस पर क्या क्या चीज़ लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये है जो नॉक सेंसर होता है। देखिए अब इसमें नॉक सेंसर अलग दिया है, ठीक है, और पहले नॉक सेंसर जो कमिंस गाड़ी में आता था उसमें 4 वायर रहता था, लेकिन इसमें 5 वायर दिया हुआ है, नॉक सेंसर में 5 वायर लगता है। और ये देखिए, ये जो है ना, ये है टेम्परेचर का, ठीक है, ये टेम्परेचर का होगा, ये इनपुट हो गया टेम्परेचर का, और भी टेम्परेचर सेंसर आपको मिलेगा। चलिए अब इसका कनेक्शन हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों है ना, तो ये दोनों का देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये हो गया वो नॉक सेंसर। देखिए इसमें 5 वायर दिया हुआ है, देखिए रेड है, ब्राउन है, ग्रीन है, येलो है, और एक ब्राउन है। तो ये हो गया इनपुट, ठीक है, नॉक सेंसर इनपुट। और देखिए ये जो था, ये टेम्परेचर का, वो है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसका कनेक्शन लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे इसका कनेक्शन लगा हुआ है, देखिए ये वाला, ये जो है ये टेम्परेचर का है। देखिए ये जो 2 कनेक्शन इसमें निकला है ना, ठीक है, ये हो गया टेम्परेचर का, ठीक है, और ये हो गया नॉक सेंसर का, ठीक है। और ये देखिए, ये जो ऊपर में कनेक्शन गया है ना, ये हो गया DPF का, उसको भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। DPF में देखिए यहाँ पे DOC से एक पाइप गया है, और ये देखिए ये वापस घूम करके यहाँ पे आ गया ये पाइप, ठीक है, ये हो गया DOC, ठीक है। और यहाँ देखिए एक SCR में से एक और पाइप गया है, देखिए ये वाला, ये, ठीक है, और ये चला गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये दोनों पाइप चला गया है DPF में। देखिए ये है DPF सेंसर, ठीक है, DPS हो गया, और उसका कनेक्शन देखिए, उसका कनेक्शन यहाँ पे है, देखिए, ओके। अब देखिए अब क्या रह गया, चलिए उधर चल के देखते हैं। यहाँ देखिए ये है डोजिंग मॉडल, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो पाइप देख रहा है ना, ये डायरेक्ट चला गया साइलेंसर में यूरिया के लिए, और ऊपर में 2 पाइप है, ठीक है, जो एक टैंक से आ रहा है और एक मोटर खींच रहा है। तो ये 2 चीज़ हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए वायरिंग में देखिए एक और यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे दिया हुआ ना, ये भी टेम्परेचर का है, ठीक है, ये देखिए एक वो टेम्परेचर का हो गया, एक ये टेम्परेचर का, ये DOC पे है, और इसका टेम्परेचर का देखिए ये वाला वायर है टेम्परेचर का, देखिए यहाँ पर ये वाला वायर है टेम्परेचर का, देखिए कैटलिस्ट टेम्परेचर सेंसर, ठीक है, ये 2 चीज़ हो गया। उसके बाद से इधर है देखिए, एक हो गया ये टेम्परेचर का, ये वाला, ये भी टेम्परेचर का है, और इसका कनेक्शन ये है, देखिए, ठीक है, ये भी टेम्परेचर का है। ऊपर में देखिए यहाँ पे यूरिया का प्रेशर आता है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कनेक्शन लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, ये है रिडक्शन एजेंट मेटरिंग बल्ब, ठीक है, ये मेटरिंग बल्ब का है, ये वाला जो है ये मेटरिंग बल्ब का है। और उसके बाद
यहाँ पे देखिए एक और नॉक सेंसर लगा हुआ है, देखिए देखिए ये एक नॉक सेंसर है, ठीक है, ये हो गया आउटपुट के लिए, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है।